चैनल फर्स्ट इन्वेस्टमेंट पे मैं हूं आपका मेंटर शिवांश कौशल। तो गाइस ये वीडियोस आपके लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर हमारे साथ एक गेस्ट जुड़े हैं जिनका नाम है उमेश शर्मा। यहाँ पर ये आज हमें बताने वाले हैं कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में जो आप लोग स्टॉक मार्केट के अंदर फेस करते हो, जो भी आपके मल्टीपल क्वेश्चंस होते हैं। तो चलिए वेलकम करते हैं उमेश शर्मा जी को एंड उनसे पूछेंगे उनकी जर्नी के बारे में, उन्होंने स्टॉक मार्केट के अंदर कैसे एंट्री करी थी। उनका यूट्यूब चैनल भी है, उनके बारे में भी जानेंगे कि वो यूट्यूब चैनल पे क्या क्या प्रोवाइड करवाते हैं एंड उनके बाद हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जो हमारे सब्सक्राइबर्स के थे। तो उमेश शर्मा जी वेलकम एंड प्लीज हमें बताइए अपने कुछ बारे में। सबसे पहले शिवांश हुसैन जी, मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुझे अपने चैनल पे बुलाया। और जैसे कि आपने जर्नी के बारे में पूछा तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मार्केट में अभी काम करते हुए 13 साल हो चुके हैं हमें। और साथ साथ बता चाहूंगा कि मार्केट में हमने स्टार्ट किया था एज अ डीलर। अब आप लोग डीलर को जानते होंगे, वो कौन होते हैं जो क्लाइंट्स के भी आप पे ट्रेड्स करते हैं। तो स्टार्टिंग हमने एज अ डीलर से करी थी और उसके बाद टेक्निकल सीखा। तो देखिए, जब स्टार्टिंग फेज होता है, जैसे आप में से कई ऐसे लोग होंगे जो अभी स्टॉक मार्केट में अपना करियर अपना बना रहे हैं, अभी से चुनने की तैयारी कर रहे हैं कि आपको फाइनेंशियल सेक्टर में जाना चाहिए या नहीं। ये प्रॉब्लम मेरे साथ आज से 13 साल पहले भी थी, क्योंकि आज के टाइम में क्या आपको कहीं से भी नॉलेज मिल जाती है। आप यूट्यूब पे जाते हैं, आपको ज्ञान का भंडार है यूट्यूब चैनल पे। इसके साथ साथ बहुत सारी बुक्स हैं जो अवेलेबल हो जाती हैं और बहुत सारे इंस्टीट्यूट भी हैं जहाँ पे आपको कोई ना कोई गाइड कर देता है। 13 साल पहले सर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। शिवांश जी, अगर मैं बात करूँ आपसे, 13 साल पहले अगर आप किसी से पूछने जाते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, एक बार आप गूगल पे लिखते थे टेक्निकल एनालिसिस तो पता नहीं कौन सी डायरेक्टरी खुल जाती थी। तो उस वक्त सीखना बड़ा मुश्किल था और हमने स्टार्ट करा बुक से। हमने बहुत सारी बुक्स होती है, जैसे जॉन मर्फी की बुक्स है, वो उससे पढ़ना स्टार्ट किया। और उस वक्त पे इतनी जॉब्स भी नहीं होती थी टेक्निकल एनालिसिस की, तो स्टार्टिंग मैं दिल्ली बेस्ड हूँ तो हमने मुंबई से स्टार्ट किया। मुंबई में 2 साल काम किया, 2-3 साल हमें अहमदाबाद में हो गए थे काम करते हुए, इसके साथ जयपुर में काम किया था। वैसे मैं दिल्ली बेस्ड हूँ तो फिर लास्ट में आके फिर दिल्ली में ही हमने अपना जो भी जॉब थी एड्रॉइड में मैंने काम किया। इसके साथ साथ मैं रिसर्च में था, आर्बिट्राज भी किया है, डीलर की जॉब भी करी है। और आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारा जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही शानदार है और 2011 से हम टेक्निकल एनालिसिस में पढ़ा रहे हैं। ओके ओके, आपका चैनल का नाम बताएंगे हमारे सब्सक्राइबर्स को? मेरे चैनल का नाम है चार्ट एनालिसिस। चार्ट एनालिसिस, और कितने सब्सक्राइबर्स हैं आपके चैनल में? मेरे सब्सक्राइबर 75,000 है। 75,000, आप क्या अपने YouTube पे लोगों को गाइड करते हैं? बेसिकली जो मेरा चैनल है वो टेक्निकल एनालिसिस के बेस्ड पे है, उन सीरियस लोगों के लिए है जो टेक्निकल एनालिसिस में कुछ करना चाहते हैं, यानी कि टेक्निकल एनालिसिस को एडवांस लेवल पे सीखना चाहते हैं। तो उसी के बेस पे हम डेली बेसिस पे वीडियो पोस्ट करते हैं। ओके ओके, सो जब मैंने आपका चैनल देखा था तो मैं देख रहा था कि आप बहुत बढ़िया तरीके से समझाते हैं एंड बहुत इजी वे में हल्के तरीके से लोगों को पढ़ाते हैं, तो वेरी अप्रिशिएटेड। और तो हमारे इस वीडियो का, इस मीटिंग का जो पर्पस था वो था कि लोगों को गाइड करना कि किस तरीके से मार्केट में जो उनके क्वेश्चंस हैं वो क्लियर हो एंड आई थिंक कि आप बेस्ट हो उनका आंसर करने के लिए। तो चलिए मैं आपसे सबसे पहला क्वेश्चन पूछता हूँ जो हमारे सब्सक्राइबर्स की तरफ से आया है कि कौन सा परफेक्ट ट्रेडिंग सेटअप होना चाहिए जो पार्ट टाइम ट्रेडर्स हैं, मतलब जो बिजनेस करते हैं, जो जॉब करते हैं, और वो लोग के लिए कौन सा परफेक्ट ट्रेडिंग स्टाइल होना चाहिए? क्या वो इंट्राडे में जाए, क्या वो स्विंग ट्रेडिंग करें, बिकॉज उनके पास टाइम नहीं होता, मार्केट में उनका ऑफिस आवर्स होते हैं, तो इस पे आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, हम जब मार्केट में आते हैं तो हमारा सिर्फ एक ही मकसद होता है, वो होता है पैसा कमाना। अब आपका पैसा इंट्राडे में आता है, अब आपका पैसा स्विंग ट्रेडिंग से आता है, या फिर आपका पैसा आता है पोजिशन में। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है उन लोगों के लिए जिनकी जॉब होती है, जिनको जॉब से टाइम नहीं मिल पाता और उनको ट्रेडिंग भी करनी है, क्योंकि आज के टाइम में एक ऐसी इनकम होती है, एक एक्स्ट्रा इनकम जरूर आपकी होनी चाहिए। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, अब आपने कोई ट्रेड बनाया और आपको पता है कि 3:30 से पहले आपको अपनी पोजीशन से एग्जिट करना है, और आपके ऑफिस में आपको कुछ ऐसा काम मिल जाता है कि जिस वजह से आप मार्केट को देख ना पाए या आपकी पोजीशन से एग्जिट ना कर पाए, तो वहां पे आपको बड़ा लॉस हो सकता है। और दूसरी बात ये भी होती है कि बार बार आप मार्केट को देख ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे भी जो क्लाइंट्स हैं उनके साथ भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। अब स्विंग ट्रेडिंग में ये होता है कि अगर आप इक्विटी में ट्रेड बनाते हैं और आप शॉर्ट सेलिंग करते हैं तो नेक्स्ट डे के लिए आप उसे कैरी नहीं कर सकते। तो अगर आप कोई पोजीशन बाय में बनाते हैं
तो आपको नेक्स्ट डे के लिए उसमें अपनी पोजीशन होल्ड में, यानी कि होल्ड आपको बनानी पड़ती है नेक्स्ट डे के लिए, आपको अपनी पोजीशन कैरी करनी पड़ती है। अब यहाँ पे मैं सबसे बेस्ट आपको बताता हूँ, अगर आप जॉब करते हैं या फिर आप बिजनेस करते हैं या जो भी, आपको टाइम नहीं मिल पाता ट्रेडिंग से, बट आपको ट्रेडिंग करनी है, तो सबसे बेस्ट है कि आप ऑप्शंस में ट्रेड करें, ऑप्शंस में काम करें, वो आपके लिए बहुत बेटर रहेगा। क्योंकि ऑप्शंस में ना क्या ऐसा नहीं होता कि देखो आप जब भी ट्रेड स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं या फिर फ्यूचर्स में आप ट्रेड करते हैं, तो बार बार आपको मार्केट को देखना पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पर श्रांस जी, अगर मैं बात करूँ, मैं जॉब कर रहा हूँ, मुझे पता है कि जॉब के साथ साथ मुझे ट्रेडिंग भी करनी है। अब आपको सारी चीजें आज के टाइम पे फोन पे हो सकती है, पहले के टाइम पे ऐसी ऐसी फैसिलिटीज नहीं मिलती थी, अब फोन पे सब कुछ हो जाता है। अब आप एक एक तो आप काम भी कर रहे हैं अपना जॉब, तो आपके बॉस ने दिया हुआ है, और दूसरी तरफ से आप फोन भी देख रहे हैं, तो वहां पे ना ये जो चीजें होती है, ये आपकी जो वर्क होता है, ऑफिस वर्क होता है, उस पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालती है। तो वहां पे सबसे बेस्ट है कि आप ऑप्शंस में काम करें। ओके ओके, तो आई थिंक ये वाला क्वेश्चन तुमका क्लियर हो गया होगा, एंड अगर हम लोग नेक्स्ट मीटिंग करेंगे तो ऑप्शंस के बारे में भी जरूर बात करेंगे, क्योंकि आई थिंक आपको ऑप्शंस के बारे में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होगा। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो सबसे ज्यादा लोग पूछे जाते हैं, कि हम लोग मार्केट के अंदर जब एंटर करें, जो भी फ्रेशर्स होते हैं जो पहली बार मार्केट के अंदर एंटर करना चाहते हैं, वो कितनी कैपिटल से स्टार्ट करें, क्योंकि कैपिटल सबसे ज्यादा मेन इश्यू बैठता है। ज्यादातर लोग कहते हैं कि हमारे पास 10,000 है, कोई कहता है हमारे पास 10 लाख है, तो क्या एक परफेक्ट मिनिमम कैपिटल है जिसपे हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं मार्केट के अंदर और कुछ प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं? इसका मैं आपको जवाब देना चाहता हूँ, जवाब थोड़ा सा अटपटा होगा सुनने में, थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, बट देखिए मैं बिल्कुल रियलिटी आपको बोलूंगा, पैसा उतना डालो जिसके जाने का आपको दुख ना हो। बिल्कुल, आप चाहे तो 2,000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, आप 10,000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए क्या होता है, एग्जांपल के तौर पे कि मुझे मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है या फिर ट्रेड करना है, तो मैंने देखा कि मार्केट में मैंने क्या करा, 10,000 रुपीज इन्वेस्ट कर दिए, मैंने उसे ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दिया। अब क्या होता है ना, जब हमें लॉस होता है, तो जब हमें लॉस होता है, जब हमें हमारी पॉकेट पे पिंच होता है ना, तो हमारे इमोशंस हर्ट होते हैं। ये आपके साथ भी हुआ होगा, सब आपके व्यूअर्स के साथ होता है, ठीक है? तो वहां पे ना आपके जो डिसीजन होते हैं वो गलत हो जाते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग करते समय हमें जो सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली बात है, वो है कि हम मेंटली रूप से बहुत ज्यादा स्टेबल होने चाहिए। जब भी आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपको अपने गुस्से में भी बहुत कंट्रोल करना पड़ता है, आपको पेशेंसली यानी कि पेशेंस के साथ ट्रेड करना पड़ता है, और साथ साथ हम्बलनेस की मैं बात करूंगा थोड़ा सा। मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप ट्रेड करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर 10,000 रुपीज इन्वेस्ट करें और आपको 10,000 रुपये का लॉस हो गया, तो वहां से ना बहुत ज्यादा टूट जाते हैं, बट आप ये चीज नहीं समझते कि वो 10,000 रुपये ने आपको बहुत ज्यादा सिखा दिए। कि जब भी आप मार्केट में स्टार्ट करते हैं, शुरू के जो 3 महीने होते हैं, मैं पहले ट्रेड की बात नहीं कर रहा, मैं स्टार्टिंग के 3 मंथ्स की बात कर रहा हूँ, वो हमेशा लॉस के होते हैं। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको मार्केट में लॉस कितना देना है, लॉस आपको 5,000 देना है, 10,000 देना है, या फिर 10 लाख रुपए देना है। तो एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी मार्केट में स्टार्ट करें, हमेशा जो आपका अमाउंट है वो 5 से 10 हजार के बीच में रखिए, जिसके जाने का आपको दुख ना हो, क्योंकि वो 5-10 हजार रुपए है ना, वो ही आपको सिखाएंगे जब आपकी नेक्स्ट स्टेज होगी, जब आपकी नेक्स्ट स्टेज होगी, जब आपको लगेगा कि मेरे को अब मार्केट समझ में आ गई है, या फिर आपने कोई भी स्टडी करे। कई बार क्या प्रॉब्लम होती है श्रांस जी, कि जैसे हम भी 2011 से टेक्निकल एनालिसिस करा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो स्टूडेंट्स आते हैं, उनकी 2 ही क्लासेस होती है, वो मार्केट में पैसा डाल देते हैं, जब तक उनकी क्लासेस खत्म होती है उनका पैसा खत्म हो जाता है। क्या रीजन होता है कि आज हमने सिखाया, अगले दिन से वो सट्टे मारने स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उससे पहले बैक टेस्टिंग भी करनी पड़ती है। बिल्कुल, बैक टेस्टिंग करनी पड़ती है, उसके बाद आपको ट्रेड बनाने पड़ते हैं, 2-3 महीने सीखने के होते हैं, बट वो क्या करते हैं 2-3 महीने में पैसा गंवा देते हैं, तो ये गलती आप ना। बिल्कुल, आपने जो भी बात करी है बिल्कुल सही करी है, एंड मैं भी अपने YouTube के अंदर सबको बोलता हूँ कि बैक टेस्टिंग सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। बिकॉज क्या होता है जनरली कि कोई भी पैटर्न का ब्रेकआउट कोई भी स्टॉक ने दिया, अब आपको ये चीज भी चेक करनी चाहिए कि अब पहले उस स्टॉक में अगर ऐसा पैटर्न का ब्रेकआउट आया था तो वो फेल तो नहीं हुआ था, तो चांसेस होते हैं कि वो आगे भी फेल करे। तो जो भी आपने चीजें बताई है कि सबसे पहले पढ़ो, उसके बाद मार्केट पे इन्वेस्ट करो, और 3 महीने का टाइम अपने आप को, और कभी भी आप जिस तरीके से आप बता रहे थे कि 3 महीने में अगर वो लॉस हो जाता है फिर वो लोग चले जाते हैं, तो ये गलती नहीं करनी, आपको लॉसेस से समझना होगा। तो आपकी बात बिल्कुल सही है, आई थिंक हमारे सब्सक्राइबर्स को ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि क्वांटिटी कितनी बाय करें।
क्योंकि क्वांटिटी का सबसे ज्यादा डाउट होता है। हमने बात समझ ली कि हमें इन्वेस्ट कितना करना है, हमने जो टेक्निकल्स के बेसिस पे ये भी पता लगा लिया एंट्री क्या है, टारगेट क्या है, स्टॉप लॉस क्या है, क्वांटिटीज कितनी बाय करा बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका शुभम जी। क्वांटिटी के बारे में बात करना चाहूंगा। देखो क्वांटिटी जब भी हम काम करते हैं, एग्जांपल के तौर पे कोई स्टॉक है हमारे पास, टाटा स्टील का स्टॉक है, ठीक है। अब टाटा स्टील है हमारे पास और हमें पता है कि इस स्टॉक में कोई ऐसा पैटर्न बना है जिसके अकॉर्डिंगली मैं अभी पोजीशन बाय में बना सकता हूँ। तो सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं लोग, ये करते हैं कि मेरे अकाउंट में 10,000 रुपीज है तो पूरे 10,000 रुपए वो क्या करते हैं उसके वो टाटा स्टील खरीदते हैं, ठीक है, चाहे वो इंट्राडे का ट्रेड हो। अब उन्होंने इंट्राडे में ट्रेड करा, उन्होंने पूरे पैसे टाटा स्टील में लगा दिए। बट वहां पे क्या होता है ना, हमेशा जब भी हम ट्रेड बनाते हैं तो हमेशा ये सोच के रखिए कि जो आपका पहला ट्रेड होगा जरूरी नहीं है कि वो आपका सक्सेसफुल ट्रेड रहेगा। हो सकता है पहले ट्रेड में आपका एक्सेल कट जाए, हो सकता है आने वाले दो ट्रेड है वो आपको प्रॉफिट दे जाए। बट क्या होता है कि जब पहले पहले पूरे स्टॉक में पूरा आप क्वांटिटी का लगा देते हैं तो उससे क्या होता है कि जब सेकंड थर्ड जो पैटर्न होते हैं उसमें जब सेकंड दो से तीसरे स्टॉक में जब कोई पैटर्न बनता है तो उसमें आप ट्रेड नहीं कर पाते क्योंकि आपका पूरा जो फंड है ना वो कहीं क्या स्टॉक हो चुका है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको फंड को डाइवर्सिफाइड करना है तीन तरीके से। एग्जाम्पल के तौर पे आपके अकाउंट में 10,000 रुपए हैं और आपने देखा किसी स्टॉक में भी पैटर्न बना हुआ है तो आप 3-3-3 करके आप क्या करें डिवाइड करिए। आपने देखा कि 3,000 रुपये मैं एक स्टॉक में डालूंगा, 3,000 रुपये दूसरे में और 3,000 रुपये तीसरे स्टॉक में मैं डालूंगा। ऐसा नहीं कि पहला पैटर्न बना और अपने पूरे पैसे उसमें लगा दिए। क्वांटिटी हमेशा कम रखिए। क्वांटिटी कम क्यों रखिए उसका रीजन है, क्वांटिटी ऐसा नहीं है कि क्वांटिटी हमेशा ऐसा नहीं कि आपने 10 या 20 शेयर में ही काम किया, आपको लग रहा है कि अच्छा पैटर्न बना हुआ है। और यहाँ पे मैं मल्टी पैटर्न्स की भी बात करूंगा, थोड़ा सा मैं टेक्निकल्स पे जाता हूँ यहाँ पे मैं समझाता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे आपको लग रहा है कि यार ये स्टॉक है इसमें पक्का मार्केट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, आपका रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया, कैंडलस्टिक से कंफर्मेशन आ गई, चार्ट पैटर्न से कंफर्मेशन आ गई, 100% जाएगा। जब ये श्योरिटी आपके अंदर से आती है ना तो आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। बट आपको लग रहा है कि यार ये स्टॉक में ना अभी कोई पैटर्न तो इतना कंफर्म्ड नहीं है, बट वहां पे आप क्या करते थे क्वांटिटी अपनी बढ़ा देते हैं। जब क्वांटिटी बढ़ाने के लिए भी ना आपको मल्टी पैटर्न्स को देखना है कि जब एक स्टॉक में मल्टी पैटर्न्स देखने को मिले, यानी कि आपकी जो कंफर्मेशन आ रही है वो कैंडलस्टिक से भी आ रही है, वो चार्ट पैटर्न से भी आ रही है, वो इंडिकेटर से भी आ रही है और चौथी आपके अंदर से भी आ रही है। आपको इस चीज को ध्यान में रखना है, क्वांटिटी डाइवर्सिफाइड करके चल रहा है और जब किसी स्टॉक में मल्टी पैटर्न होते हैं तो उसमें आपको क्वांटिटी बढ़ाना है और स्टॉप लॉस जरूर 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 रखना है। विदाउट स्टॉप लॉस कभी भी काम नहीं, स्टॉप लॉस के बिना काम नहीं करना। मतलब आप बता रहे हो कि अगर कोई 10,000 से स्टार्ट करता है तो वो तीन जगह उसे बांट सकता है, एक ही जगह पूरे पैसे नहीं लगाने, वरना अगर उन्हें लॉस होना स्टार्ट होता है तो अगर उन्हें नेक्स्ट ट्रेड भी मिलता है तो वो भी वो परचेज नहीं कर पाएंगे। तो इससे मेरे साथ एक और क्वेश्चन ऐड होता है कि इंट्राडे अगर हम करें तो कितने ट्रेड करें देंगे। इंट्राडे में अगर मैं बोला जाऊं तो जितने पैटर्न आपको मिलते हैं उतने आपको ट्रेड बनाने। अच्छा, कोई लिमिट नहीं है? ऐसी कोई लिमिट नहीं है। जब हम भी ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि दो पैटर्न बने हैं 7-8 और हम काम से 2-3 में कर रहे हैं कि भाई मैं तो रिलायंस में काम करता हूँ, रिलायंस में पैटर्न मिलेगा तो ही मैं उसमें काम करूंगा, आईजीएल में बनेगा या आईडीएफसी में बनेगा या फिर मारुति में बनेगा तो उसमें काम नहीं करूंगा। तो यहाँ पे ना आपको कभी भी स्टॉक स्पेसिफिक नहीं होना, ठीक है। कहते हैं डोंट मैरी विद योर स्टॉक, आपको उससे शादी नहीं करनी। आपका काम क्या है, आप अपॉर्चुनिस्ट हो, आपको मार्केट में आए हो ना तो पहला आपका धर्म क्या है वो है पैसा कमाना। पैसा भी आ सकता है, किसी भी स्टॉक से आ सकता है। तो स्टॉक स्पेसिफिक नहीं बनना, जिस स्टॉक में पैटर्न बना है उसमें ट्रेड बनाना है। और अगर आपको मान लो कि 6 से 7 पैटर्न ऐसे मिल जाते हैं जिसमें आप ट्रेड करके खासा बना सकते हो और आपके पास फंड भी है तो आपको सब पे ट्रेड बनाना। ठीक, अच्छा आप बताइए कि आप क्या प्रेफर करेंगे, आप इंट्राडे प्रेफर कर सकते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग प्रेफर करते हैं? ये मैं दोनों करता हूँ, मैं इंट्राडे भी करता हूँ, मैं स्विंग भी करता हूँ। प्रेफर मैं करता हूँ पैसे को, जहां से भी पैसे आ रहे हो, जरूरी नहीं है ट्रेडिंग स्टाइल कौन सा हो। अगर मुझे लग रहा है कि इंट्राडे में मेरा पैसा बन रहा है तो इंट्राडे में पैसा लेके निकल जाऊंगा। मुझे लग रहा है कि पैसा आज मार्केट में वॉल्यूम नहीं है, ट्रेड मेरा ठीक था तो नेक्स्ट डे के लिए मैं उसे अपनी पोजीशन को होल्ड कर देता हूं। अब यहां पे ना सबसे बड़ी बात ये है कि आपके व्यूअर्स ये सोचेंगे इसमें कि लोग नॉर्मली लोग ये सोचते हैं कि मैं इक्विटी में काम करता हूँ, मेरे पास इतना फंड अवेलेबल नहीं है, मेरे अकाउंट में 10,000 रुपए है, मुझे हमेशा मार्केट में बाइंग नहीं होती, मार्केट में सेलिंग भी होती है। और अगर आप बाइंग करते हैं तो पूरा फंड आपको देना, पूरा मार्जिन आपको देना पड़ता है तो उसमें आपकी जो क्वांटिटी होती है वो ज्यादा नहीं हो पाती। और मैं अगर शॉर्ट करता हूँ तो नेक्स्ट डे के लिए कैरी नहीं कर सकता।
ठीक है, तो वो क्या इंट्राडे बन के रह जाते हैं वहां पे, वो हम्म, चाहते हैं स्विंग ट्रेडिंग करना, वो चाहते हैं होल्ड करना, बट वो कर नहीं पाते। क्यों नहीं कर पाते, उसका रीजन क्या, क्योंकि फंड अवेलेबल नहीं है। तो उसके फंड। लिए वो ये क्या ऑप्शन में जा सकते हैं, ऑप्शन में मूव कर सकते हैं और वहां से ऑप्शन में ट्रेडिंग कर सकते हैं। ऑप्शंस में, बट आप एक बार व्यूवर्स को बता दीजिएगा कि ऑप्शंस भी आसान नहीं है, वो भी रिस्की है जब तक आपके पास फुल नॉलेज ना हो उसके बारे में। ऑप्शंस के बारे में अगर मैं बात करूँ तो ऑप्शंस सिर्फ कॉल और पुट तक नहीं है। अगर ऑप्शंस की बात करें तो लोगों को ये लगता है कि अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो कॉल करेंगे, मार्केट नीचे जाएगा तो पुट करेंगे। अब मेरे पास कल ही आया था और वो कह रहे कि मैं ऑप्शंस में काम कर रहा हूँ, काफी टाइम से काम कर रहा हूँ, 2 साल से काम कर रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है, और उनको ये नहीं पता था कि ब्रेक इवन क्या होता है। ब्रेक इवन भी पता होनी चाहिए आपको, ब्रेक इवन के साथ साथ आपको उसके पे ऑफ्स के बारे में पता होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि मार्केट में तेजी है तो ही आप कॉल बाय करेंगे, आप चाहे तो उसकी पुट भी सेल कर सकते हैं। आपको नॉलेज होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए डेल्टा क्या होता है, आपको पता होना चाहिए गामा क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी क्या होता है, वॉलेटिलिटी क्या होता है, वॉलेटिलिटी स्माइल क्या होता है। आपको वॉलेटिलिटी के हिसाब से दोस्तों, आपको अगर मैं बोलना चाहूँ तो और भी ग्रीक्स होते हैं, उनके बारे में भी ठीक ठाक आपको नॉलेज होना चाहिए। तो ये क्या होता है कि आपको ये पूरा पैकेज है, पूरा पैकेज सीखना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। देखो कुछ अगर आप ये थोड़ी ना कि मार्केट में आप आए, दो आपने ट्रेड बनाए और आपने आसानी से पैसा कमा लिया, इसकी भी स्टडी है। आपको ठीक से पढ़ना पड़ेगा, अगर आप अच्छी तरीके से पढ़ पाएंगे तो ही आप ट्रेड कर पाएंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरी तरफ से है, सब्सक्राइबर्स की तरफ से नहीं है, कि अगर हमें टेक्निकल्स नहीं आता, बिल्कुल हमें टेक्निकल्स आता ही नहीं है, तो क्या हम ऑप्शंस पे काम करके पैसा अर्न कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। वैसे अगर मैं बोलूँ तो टेक्निकल आपको डायरेक्शनल काम कराता है और ऑप्शन आपको स्ट्रेटेजी बनवाता है। अगर आप ऑप्शन करेंगे और उसके साथ साथ अगर आपका डायरेक्शन का तड़का भी आप मार देंगे उसमें, तो आपके प्रॉफिट के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। एग्जाम्पल की बात अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, अगर आपको लग रहा है कि मार्केट में वॉलेटिलिटी है और आपको डायरेक्शन, तो वहां पे आप ऑप्शन बाय कर सकते हैं। और आपको लग रहा है कि वॉलेटिलिटी नहीं है मार्केट में, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो वहां पे आप ऑप्शन को सेल भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि ऑप्शन सैलरी पैसा कमाता है, ऑप्शन बाय भी पैसा कमाता है, दोनों पैसे कमाते हैं, बट डिपेंड करता है कि मार्केट की सिचुएशन क्या है। सिचुएशन के अकॉर्डिंगली आपको अपनी स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है। अब दूसरी चीज शिवांश जी, इसमें ये आती है कि अगर आपकी पोजिशन मान लो फंस गई है कहीं पे, तो आपकी पोजिशन फंसती है, हमारी भी फंसती है, तो वहां से आपको एग्जिट कैसे करना है। अब आप अभिन्यू की तरह चक्रव्यूह में तो घुस तो गए, ठीक है, बट बाहर कैसे निकलना है उसके लिए आपको क्या है, आपको स्ट्रेटेजी के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। अगर देखो सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जब हम कोई ट्रेड बनाते हैं तो ट्रेड बनाते समय हम सोचते ही नहीं है, हमने देखा, हमने पहले सोच लिया कि मैंने बाय, मेरे को बाय करना है, मैंने बाय कर दिया। अब हमारी पोजीशन फंस जाती है तो हम क्या करते हैं, हमें समझ नहीं आता कि लॉस के टाइम पे हम क्या करें। वहां पे आपको पता होना चाहिए कि अगर मेरी पोजीशन फेवर में जाती है तो मैं यहाँ पर भी पोजीशन एग्जिट करूंगा, अगर फेवर में नहीं जाती तो मैं इस लेवल पे अपनी पोजीशन को हेज करूंगा। तो हमें हेजिंग करनी होती है ऑप्शन के थ्रू, स्ट्रेटेजी बनानी होती है, और टेक्निकल हमें डायरेक्शनल देता है। अब यहाँ पे बात आती है, कई लोग ऐसे हैं कि जो ऑप्शन में काम करना चाहते हैं और उनको टेक्निकल नहीं आता, तो उनके लिए मैं बोलूंगा कि आप करेंसी में ट्रेड करना स्टार्ट कर दो। करेंसी में वैसे कल एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिली है, 2% का अब उसमें करेंसी में देखने को मिला था। बट करेंसी में आप क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, मूवमेंट नॉर्मली उसमें कमी होती है, तो वहां पे उसमें आप स्ट्रगल को बेच के पैसा कमा सकते करेंसी में। सो करेंसी में आप कह रहे हैं कि INR से जो रिलेटेड है, जो इंडिया में लीगल है, उस पे ही हम कर सकते हैं, उस पे हैं। कर। ठीक है, ठीक है। तो चलिए, सारी बातें तो हो गई हैं, अब बात करते हैं जो ये मार्केट पे फॉल आया है, किस तरीके से मार्केट यहाँ से कितना नीचे जा सकती है और या फिर यहाँ से मार्केट बढ़ सकती है, इसके बारे में हमें कुछ बताइए। कुछ पैटर्न्स बन रहे हो मार्केट के अंदर, कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा हो तो हमें जरूर बताएगा, क्योंकि सब्सक्राइबर्स अभी यहाँ पर वेट कर रहे हैं कि यहाँ से मार्केट का क्या हाल हो सकता है। जिन लोगों ने अपनी होल्डिंग्स रखी भी है, पोर्टफोलियो बना रखे है, वो क्या यहाँ से अगर आपको लगता है नीचे जाने वाली है तो क्या वो एग्जिट करना स्टार्ट करें? तो प्लीज कुछ बताइए, हमारे साथ अपनी स्क्रीन शेयर करिए। ठीक है, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन को देख पा रहे हैं, यहाँ में आप मेरी स्क्रीन को देख पा रहे हैं, यस, मैं आपकी स्क्रीन को देख पा रहा हूँ, विजिबल तो है। हम क्या करते हैं, पहले आपको निफ्टी का चार्ट बताते हैं। अब सबसे बड़ी बात क्या होती है कि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे हमें कुछ देखने को मिला था। जैसे कि आप इस एरिया में अगर आप देखते हैं, ये एक गैप अप आपको देखने को मिला था, राइट। ठीक है, अगर मैं बात करूँ, गैप आपको देखने को मिला था, ये थर्सडे को क्या हुआ था, गैप अप, थर्सडे को गैप अप देखने को मिला था और उसके बाद फ्राइडे को आपको गैप डाउन देखने को मिला था। ठीक है, तो यहाँ पे ना आपको दो गैप आपको एक साथ देखने को मिला, इसको बोलते हैं आइलैंड रिवर्सल गैप। आइलैंड रिवर्सल गैप। यस, ओके,
और यहाँ पे ना ये जो गैप जब भी आपको देखने को मिलता है तो वैसे ये बोला जाता है कि ये गैप बहुत मुश्किल से फिल होते हैं, फिल ओके होते okay. हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं बात करूँ, अगर मैं टेक्निकल की बात करता हूँ, तो यहाँ पे आपको एक पैटर्न मिला था। वैसे जो हमारी जो डॉलर ट्रेडिंग होती है वो प्राइस एक्शन के ऊपर होती है, प्राइस एक्शन पे हम ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। और प्राइस एक्शन की तो स्टडी अगर आपको करनी है तो उसके लिए आपको कैंडलस्टिक को समझना पड़ेगा, क्योंकि कैंडल ओके बेसिकली क्या होती है कि जब भी हम काम करते हैं तो मैं थोड़ा सा टेक्निकल पे जाता हूँ, तो लोग कैंडलस्टिक देखते हैं और वो कैंडलस्टिक में सिर्फ वो ग्रीन और रेड कैंडल तक ही समाये हुए हैं। मतलब उनको यही चीज समझ में आती है, ग्रीन बनेगा तो खरीद लो, रेड बनेगा तो बेच लो। बट यहाँ पे ना आपको अगर ये समझना पड़ेगा कि ये कैंडल्स ना आपको कुछ कहती है, क्योंकि बेसिकली कैंडल किससे बनती है, वो बनती है प्राइस से बनती है। ये कैंडल क्या है, ये कैंडल प्राइस ही है। तो अगर आपको प्राइस एक्शन को सीखना है तो आपको कैंडलस्टिक को बहुत ही अच्छे तरीके से सीखना पड़ेगा। तो यहाँ पे ना हमें एक पैटर्न, हमें टॉप पे देखने को मिला था जिसको बोलते हैं इवनिंग स्टार। और अगर हम इसके वीकली चार्ट पे जाते हैं तो वीकली चार्ट पे भी एक पैटर्न देखने को मिला है जिसको बोलते हैं बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न। यहाँ पे शिवांश जो देखेंगे बुलिश कैंडल है, तो बेरिश कैंडल ने उसको क्या करा है, एंगल्फ कर दिया है, थर्ड कैंडल की अच्छा डायरेक्शन है। और मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि ये स्पॉट है, निफ्टी के स्पॉट का चार्ट है। तो निफ्टी स्पॉट में अगर निफ्टी है 14,468 के लेवल को ब्रेक कर देती है, यहाँ से 50 पॉइंट्स डाउन अगर निफ्टी आती है, तो एक बड़ी गिरावट आपको निफ्टी में देखने को मिल सकती है। ओके सो बात आप करो, बता रहे हो कि अगर 14,460 को ब्रेक करती है, 450 को करती है, तो एक अच्छी डाउनसाइड देखने को मिल सकती है। तब तो बड़ी बात ये आती है शिवाज जी, अब लोग क्या करें। अब मैं ट्रेडर हूँ, मैं ट्रेडर क्या कर सकता हूँ यहाँ पे। ट्रेडर आप ये कर सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि आप स्मॉल टाइम फ्रेम को चुन सकते हैं। स्मॉल टाइम फ्रेम क्या होता है, जैसे कि आपने ऑर्डरली चार्ट लगाया, तो स्मॉल, अगर आप इंट्राडे के ट्रेडर है तो कई लोग क्या करते हैं 5-10-15 मिनट के चार्ट को देखते हैं। और मैं बोलना चाहूंगा कि 5-10-15 मिनट के चार्ट को पूरी तरीके से अवॉइड करें, क्योंकि मार्केट में 54-58 इकट्ठी ना करें। और वहां पे 30 मिनट से ऑर्डरली के चार्ट को देखो, क्योंकि क्या होता है कि जो प्रॉपर साइकोलॉजी होती है जो पैटर्न, वो ऑर्डरली चार्ट पे ज्यादा बेटर आती है ना कि 5-10-15 मिनट के चार्ट पे, उसमें नॉइसेस ज्यादा होती है। तो ठीक यहाँ पे आपको कैंडलस्टिक सीखना पड़ेगा, और यहाँ पे देखना पड़ेगा कि कोई रिवर्सल आपको छोटे टाइम पे देखने को नहीं मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे अगर मैं स्टार्ट देखूँ निफ्टी का, तो आपको निफ्टी में हैमर देखने को मिल रहा ओके अर्ली चार्ट है। यस, और ऑलरेडी चार्ट पे आपको हैमर देखने को मिल रहा है। और नेक्स्ट कैंडल अगर आपको बुलिश दिखती है और उसका हाई जब ब्रेक होता है, तो वहां पे आप अपनी पोजिशन बाय भी बना सकते हैं। अगर मैं ओके निफ्टी की बात ना करूँ शिवान जी, तो आप किसी भी स्टॉक को, रेंडमली स्टॉक को अगर आप उठाते हैं ऑर्डरली चार्ट इसका देखते हैं, तो हो सकता है कि स्मॉल टाइम फ्रेम पे आपको रिवर्सल देखने को मिले, क्योंकि पैटर्न शिवान जी बाद में बनेगा, पहले स्मॉल टाइम फ्रेम पे पैटर्न देखने को मिलेगा। तो वहां पे आपको ऑर्डरली चार्ट लगाना है, 30 मिनट का चार्ट लगाना, और आपको देखना कि कहीं पे आपको स्मॉल रिवर्सल देखने को तो नहीं मिल रहा। ओके ओके तो आपका कहना ये है कि अगर 14,450 को ब्रेक करती है तो हम लोग एक सेल ऑफ देख सकते हैं, वरना अगर अर्ली चार्ट पे एक हैमर जो बना है अगर उसके ऊपर मार्केट जाती है तो वहां पर हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बाइंग आ सकती है। उसमें भी आपको देखना पड़ेगा कि निफ्टी में हैमर मिला है, नेक्स्ट कैंडल बुलिश, और इसका जब हाई ब्रेक होगा तो आप अपनी पोजीशन बाय भी बना सकते हैं। देखिए बाय में थोड़ा बना सा सकते और है कि जो टेक्निकल एनालिसिस, जैसे हमने कैंडलस्टिक पढ़ी होगी, जैसे कई लोगों ने पढ़ी होगी, तो नॉर्मली क्या होते हैं कि किसी क्लासेस को ज्वाइन कर लिया उन्होंने, या फिर जॉन मर्फी पढ़ लिया। ठीक है, ये टेक्निकल आज का, ये टेक्निकल 100 साल पुराना है, और टेक्निकल को काफी साल हो चुके हैं। और यहाँ पे एक चीज कहना चाहूंगा कि जब टेक्निकल बना था तब तो मार्केट अलग थी, आज का मार्केट अलग है। तो आपको आज का टेक्निकल एनालिसिस सीख रहे हैं, ना कि पुराना टेक्निकल एनालिसिस सीख रहे हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस में काफी ज्यादा चेंजेस आ चुके हैं, और आपको वो जो चेंजेस हैं वो अब आपको अडॉप्ट करने की जरूरत है, अडेप्ट करने की जरूरत है। तो यहाँ पे आपको कैंडलस्टिक में बहुत सारे लॉजिक्स भी होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करूँ शिवांश जी आपसे, तो जैसे यहाँ पे सेम पैटर्न हमें देखने को मिला है जिसको बोलते हैं बेरिश एंगल्फिंग। अभी बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न कौन से ट्रेंड में बनेगा, अप ट्रेंड में बनेगा। बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न से पहले कितनी कैंडल्स होनी चाहिए, उसकी साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए, थर्ड कैंडल क्या होना चाहिए, उसका हाई ब्रेकेबल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ऐसे दोस्त, ऐसे शिवाज जी 20 लॉजिक्स हैं, उसको आपको समझ के उसके बाद ही आपको ट्रेड बनाना पड़ेगा। तो ये इतना इजी नहीं है कि बुलिश कैंडल बनी तो आपने खरीद लिया, बेरिश कैंडल बनी तो आपने खरीद। मतलब आप कहना चाह रहे हो कि अगर कोई कैंडल स्टिक पैटर्न बनता है तो तुरंत आंखें बंद करके ट्रेड नहीं लेना चाहिए, उस पर और चीजें भी देखनी चाहिए, बैक टेस्टिंग भी करनी चाहिए, तभी हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। बिल्कुल
ओके ओके सो आप ये बताइए कि यहाँ से क्या अगर मार्केट रिवर्स करती है ऊपर की तरफ जाती है, तो क्या वो अपना हाई को ब्रेक कर सकती है जो इसका प्रीवियस हाई है? मार्केट के बाद यानी कि निफ्टी के बारे में पूछ रहे हैं। निफ्टी के बारे में मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि निफ्टी पे अगर ये अपना दोबारा इस लेवल से ये ऊपर जाना स्टार्ट करती है, तो क्या यहाँ से हम लोग एक अच्छी अपसाइड देख सकते हैं? क्या वो प्रीवियस हाई को ब्रेक कर सकती है? देखिए क्योंकि जिस करने का तरीके से यहाँ पर मुझे चार्ट पे लग रहा है कि एक अपसाइड के बाद एक लोअर लो बनाए और एक लोअर हाई बनाए, बिल्कुल तो आप बताइए कि यहाँ से मार्केट अब लोअर लो लोअर हाई ही फॉर्म करेगी कि यहाँ से मार्केट रिवर्स कर सकती है? देखिए मार्केट में दोनों सिचुएशंस हो सकती है। मार्केट यहाँ से बढ़ भी सकती है, यहाँ से मार्केट और भी ज्यादा गिर सकती है, बड़ी करेक्शन भी आपको देखने को मिल सकती है। बट उसके लिए ना शिवाज जी आपको बोलना चाहूंगा कि ये जो गैप है, इस गैप की मैं बात कर रहा हूँ, ये होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये गैप ठीक ये ठीक होगा तो हम आगे भी सोच सकते हैं, जो हाई बनाता है स्पॉट में 15,431 का, वो तभी मार्केट टच कर सकता है उसे, जब तक ये गैप फिल नहीं होता। और ये गैप फिल नहीं हुआ तो हो सकता है आने वाले टाइम पे जो निफ्टी है 14,000 का रेट भी आपको जल्दी दिखाई। है, तो मैं आपकी पॉइंट को सारा समझ गया कि आप बोलना चाहते हैं कि अगर 14,450 ब्रेक करती है तो वहां पर एक हेवी डाउनसाइड आ सकती है, बट अगर हम लोग बाइंग करने जाए तो बाइंग तभी करेंगे ऊपर के लिए न्यू लाइफ टाइम हाई के लिए, कि जब ये जो गैप है, जो ये आइलैंड पैटर्न बना है, जब ये ब्रेक करके ऊपर जाएगा, जब इस गैप को फिल करेगा, तो ही हम लोग बाय के लिए जा सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, सो आई थिंक आप अपने दोबारा स्क्रीन पे आ सकते हैं, फेस कैम पे आ सकते हैं, एंड आई थिंक कि आपने सारा कुछ समझा दिया होगा हमारे व्यूअर्स को, सारी नॉलेज प्रोवाइड करवाई होगी, ज्यादातर डाउट्स क्लियर करे होंगे। तो कोई भी अगर हमारे सब्सक्राइबर्स के और भी डाउट्स आते हैं या फिर वो कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं, तो वो या इस वीडियो के नीचे भेज सकते हैं, या फिर एग्जैक्ट ये सेम वीडियो उमेश शर्मा जी भी अपने यूट्यूब चैनल के अंदर अपलोड करेंगे, उसका लिंक मैं नीचे आप लोगों को दे दूंगा, आप उनके यूट्यूब पे जा सकते हैं एंड वहां पर भी उस वीडियो के नीचे कमेंट्स कर सकते हैं जो भी आप इनसे पर्सनली पूछना चाहते हो। तो आई थिंक थैंक यू उमेश शर्मा जी, आपने हमारे सब्सक्राइबर्स को बहुत अच्छे से गाइड करा, उनके ज्यादातर डाउट्स क्लियर करे हैं। सो अब आपके पास सब्सक्राइबर्स आने वाले हैं क्वेश्चन पूछने के लिए, जो भी उन्हें पूछना है, तो आई होप कि आप उन्हें हेल्प करें एंड उनके सारे के सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। जी तो इसके साथ और मीटिंग्स हम लोग करते रहेंगे ऑफिन, और सब्सक्राइबर्स को प्रोवाइड करवाते रहेंगे जो भी हम लोग नई नॉलेज शेयर करेंगे एक दूसरे के साथ, तो इनके साथ भी प्रोवाइड कराएंगे। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट मीटिंग में। थैंक यू। सो बाय बाय।